हमारे गांव, ग्राम पंचायत ब्लॉक से परिचित लोगों की जरूरत थी। ऐसे लोग तो दोनों में मुझे नहीं दिखती। अभी बात करूं तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखों की अगर लीडर की होर में अभी लगाऊं, अपने पातेपुर ब्लॉक की बात कर रहा हूं, पातेपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो प्रेमा चौधरी जी, महेंद्र बैठा जी नहीं आते डॉक्टर रतन लाल जी के कंपेयर में। इन्होंने जो, इनके पास जो मुद्दा है, इनके पास जो स्टेटमेंट है, वो हमारे दिल को टच करती है। लेकिन उनका कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, कोई एजेंडा ही नहीं है, कोई घोषणा पत्र ही नहीं है। और निर्दलीय उम्मीदवार को इसलिए रूप में देख रहे हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति जो पातेपुर को चाहिए था और पातेपुर के हक में काम करे, जो युवा सोच रखता हो, जो समाज के विकास की बात करता हो, जो समाज के लिए अपनी नौकरी दांव पे लगा करके जमीन पे उतर आया हो, ऐसा व्यक्ति जो अपने जो है सुख सुविधाओं को छोड़ करके, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके अगर वो जमीन पे सोने को तैयार हो, तो ऐसे व्यक्ति पे हमें भरोसा करना चाहिए। और हम लोग यही काम कर रहे हैं, सारे युवा मिलकर के उन पे भरोसा कर रहे हैं।